हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा एचपी के प्रिंटर के बारे में। जो एचपी के प्रिंटर है इनमें कई बार एरर्स आ जाते हैं, कई बार ऑनलाइन लीकिंग होती है, कई बार जब पेपर जाम का इशू का एरर आता है। इसका जो मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 521 दिख रहा है, एचपी स्मार्ट टैंक 521। इस सीरीज के या फिर 520 हो गया या जो इंक सीरीज के प्रिंटर होते हैं, इसकी जो कंप्लेन करते हैं वो कॉल सेंटर से नहीं करते, मतलब आप कॉल करके नहीं करते कस्टमर केयर से। इसकी जो कंप्लेन होती है ऑनलाइन लिंक के थ्रू होती है। तो वो किस तरीके से होगी, क्या लिंक की वेबसाइट है, क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, hp.com.in/ जो भी ये साइट खोल लेंगे। इस आप देख लो, ये साइट जो है ये आप डाल देना, इस लिंक से खुल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इस तरह का आपके पास कुछ खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके आपको क्या करना है, रिपेयर के लिए डालना है आपको, इंस्टॉलेशन करना हो जब भी आप डाल सकते हो, रिपेयर करना हो जब भी डाल सकते हो। तो यहाँ रिपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछेगा, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, ये आपको डाल देना है, साथ में मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना। और यहाँ पे जो है आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना, कंपनी मत सिलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट यहाँ प्रिंटर आपका ऑप्शन आएगा, तो आपका जो प्रिंटर है वो सर्च कर लेना, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ 521 स्मार्ट टैंक ऑल इन वन, ठीक है। ये सर्च कर लिया, इसमें प्रिंटर पार्ट कोड नंबर आ गया, तो वैसे ही आपके पास भी नंबर आ जाएगा। फिर प्रिंटर का सीएल नंबर डालेंगे, इसमें डेट ऑफ परचेज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ अपलोड फाइल में जब आप करोगे तो जो आपको बिल मिला होगा कंपनी की तरफ से वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सिटी, कौन सी सिटी में रह रहे हैं शहर में, फिर पिन कोड डालेंगे वहाँ का, फिर यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंपनी का नाम या अपने शॉप वगैरह कंपनी का नाम आप डाल सकते हो, कुछ भी है नहीं पर्सन। कस्टमर कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस आप डाल दोगे, हाउस नंबर, ये वो, गली नंबर, नियर बाय वगैरह, ठीक है। इशू डिस्क्रिप्शन, क्या दिक्कत आ रही है आपको, पेपर पिकअप नहीं कर रहा, ऑनलाइन ब्लिंकिंग है पे हुआ, फिर कोई कलर वगैरह नहीं आ रहा, फेड वगैरह हो रहा, या प्रिंटर ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप कर देते हैं, आप सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाता है, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटेड। फिर आपको बता देते हैं कि जो इंजीनियर है वो बहुत ही जल्दी आपके साथ विजिट करेंगे मतलब के पास। और जो इसमें सीरियल नंबर होता है वो प्रिंटर के पीछे लिखा रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा होगा सीरियल नंबर CBN करके जो भी कोड होगा, उस नंबर को आप ढूंढ लेना। सीरियल नंबर ढूंढने में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है। डेट ऑफ परचेज जो होगा आपकी बिलिंग पे ही लिखा होगा, उसे डाल कर कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये आपको कल, मतलब जैसे आपने अभी यह कंप्लेंट डाला है तो नेक्स्ट डे इनका कॉल आ जाता है। कस्टमर केयर सर्विस इनकी अच्छी है, क्योंकि मेरा प्रिंटर ख़राब हुआ तो उससे पहले उन्होंने पार्ट चेंज किया था, ये मेरा दोस्त का प्रिंटर है तो उसके लिए मैंने ये रिक्वेस्ट डाली है। अगर आपको भी कुछ दिक्कत हो या समझ ना आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएगा।